सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, आपको तो पता है अपन इस चैनल पे अपने व्लॉग डालते हैं, मार्केटिंग व्लॉग डालते हैं या नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है प्लास्टिक का मंजा जो होता है अपना, जिन्हें आप चाइनीज़ मंजा भी कहते हो, तो वो अपने पे तीन चार साल पुराना एक गट्टू पड़ा हुआ है जिसका अपन यूज़ नहीं करते, लेकिन पड़ा हुआ है। तो दिखाते हैं मोनोकाइट का ओरिजिनल मंजा कैसा होता है, मतलब कि वो मेरे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है, मैंने उसका यूज़ नहीं कराया है, तो दिखाते हैं कैसा होता है, मतलब उसके ओरिजिनल क्या पहचान होती है क्या नहीं होती है। और उसकी आज हम अनबॉक्सिंग भी नहीं करेंगे, वो पैकिंग में ही पड़ा हुआ है। सो गाइज, हम बस उसे दिखा देंगे कि यहाँ यहाँ से ओरिजिनल होता है, उस पर जो ओरिजिनल की जो चिट होती है वो कैसी होती हैं, और उसे वापस हम वैसे ही रख देंगे। और गाइज, ये जो वीडियो ओनली नॉलेजेबल के लिए है, इसे कोई सीरियस ना ले कि भाई तुम इस मंजे से उड़ाओगे। अपन यूज़ करेंगे ओनली कॉटन मंजा, अपन यूज़ करते हैं ओनली कॉटन मंजा, क्योंकि यार प्लास्टिक मंजा जब से बैन हुआ उससे नुकसान होता है, तो उसके बाद से अपन पहले यूज़ करते थे तो अभी यूज़ करना बंद कर दिया है। तो वो दो तीन साल से अपन पे पुराने गट्टू रखा हुआ है, तो वो उसे दिखाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, आप देख सकते हो ये अपन पे मोनोकाइट का मंजा है, ये देख सकते हो आप, और ये भी देख सकते हो ये चाइनीज़ मंजा नहीं है, यहाँ पर देखो तो मेड इन इंडिया है। देखो भारत, यहाँ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, भारत में उत्पादित। देख सकते हो ये अपना मोनोकाइट का मांजा होने वाला है। तो आइए यहाँ पे आके देखते हैं इसके ओरिजिनल होने की क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये होती है, जो मोनोकाइट का ओरिजिनल मांजा होता है वो थोड़े पैकिंग में थोड़ा ऐसा दिखता है। देख सकते हो गाइस आप इसे चारों ओर से, और उसके बाद इसकी होती है ओरिजिनल की चिट। तो गाइस ये देख सकते हो, ये मेरा बहुत पुराना गट्टू होने वाला है। तो गाइस देखो, फटा हुआ है, देखो देख सकता है कि वहाँ पुराना है, यहाँ यहाँ से भी देखो फटा हुआ है, लेकिन मैंने इसका अभी तक यूज़ नहीं करा है। तो ये थोड़ा डार्क कलर में, इसका कलर थोड़ा ब्लू वगैरह सा है, देखो थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा, उसे छोड़ो। यहाँ पे देखते हैं गाइस इसका ओरिजिनल होने पहचान क्या है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल की चिट होने वाली है, ये गाइस देखो थोड़ा जूम करो, मतलब कि देख सकते हो गाइस ये ओरिजिनल की चिट होने वाली है मोनोकाइट के अंदर। और जब इसे थोड़ा सा हल्का सा हिलाओगे ना, तो गाइस इसके अंदर एक चरखरी भी बनी होगी, जिससे पता चलता है कि ओरिजिनल होने वाला है। उसके बाद सेम चीटी गाइस ये इसके अपोजिट साइड में भी होने वाली है, यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस, देख सकते हो यहाँ पे सेम चीट भी अपोजिट में होने वाली है। और गाइस ये दो ही चीट नहीं, और देखो एक और चीट होने वाली है बिल्कुल इसके मिड के अंदर गाइस, तो एक और चीट होने वाली है इसके मिड के अंदर। तो गाइस होने वाली है इसके अंदर तीन चीट। सो गाइस इसके अंदर तीन चीट होती हैं, देख सकते हो तीन ओरिजिनल क्लिप होती है, और ऐसे इसकी पैकिंग होने वाली है, थोड़ा डार्क कलर के अंदर होता है। अगर एक बार हम इसकी एक और वीडियो बना देंगे मोनोकाइट वर्सेस मैदानी मांजा, सो उसके अंदर भी अपना यार मैदानी मांजा जीतेगा, देख लेना, क्योंकि मैंने भी यूज़ करने बाद ही उसको काम में ले आता, क्योंकि पहले मैं इसका यूज़ करता था, फिर मेरे को वो अच्छा लगा तो मैं उसका यूज़ करता हूँ। सो गाइज ये देख सकते हो ये अपना इंडियन होने वाला है, पहले चाइना में बनता था, जैसे मेड इन चाइना लिखाता था, लेकिन अब ये हमारे इंडिया के अंदर ही बनने लगा था, तो अब ये इंडियन मान जाए स्टम मेरे हाथ में, ये चाइनीज़ नहीं है, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा गाइज। ओनली आपको ना एक और वीडियो दिखा दूँगा, मैदानी वर्सेज मोनोकाइट, मतलब मैदानी वर्सेज चाइनीज़ मांजा, ऐसा करके। वैसे नाम तो चाइनीज़ ही होता है, जैसे अभी SD कार्ड होता है मतलब मेमोरी, उसे अब भी लोग वाक चिप कह देते हैं, ऐसे ही इसे भी चाइनीज़ मंजा कह देते हैं, लेकिन ये चाइनीज़ नहीं। देख सकते हो गाइस साफ साफ लिखा हुआ है कि मेड इन इंडिया। सो गाइस इसके ऊपर भी अपन एक वीडियो बना देंगे कि मैदानी मांजा वर्सेस चाइनीज़ मांजा, तो इसके ऊपर भी अपन एक वीडियो बना लेंगे और देखते हैं कौन सा परफेक्ट निकलेगा। तो यार आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये उम्मीद करता हूँ ये आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी, और ये ओनली भाई एक नॉलेजेबल वीडियो है। तो कोई भी भाई हाथ जोड़ता हूँ, कोई भी कमेंट बॉक्स में ऐसा ना कहना कि आप इसे प्रमोट कर रहे हो, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, इसका यूज़ करो, इसका कोई भी यूज़ ना करो यार, ये बहुत हार्मफुल हो जाता है, इससे अपने हैंड कट जाते हैं, लोगों की नेक वगैरह में भी अटक जाता है, बाइकर्स को दिक्कत होती है, राइडर्स को दिक्कत होती है, जो राइडिंग करते हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए गाइज इसका यूज़ ना करें, ओनली ये एक नॉलेजेबल वीडियो है, और मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसका यूज़ करो, ओनली मैदानी मांजा यूज़ करो गाइस, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसकी आपको ट्रिक नहीं आती, लेकिन यूज़ हम उसे भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो यार आज के लिए वीडियो बस इतना ही काफ़ी है, और इस वीडियो करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं अनदर वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो बिल्कुल जस्ट नोटिफिकेशन यार आप पे आ जाए। सब्सक्राइब करने में गाइस आपके कोई पैसे नहीं जाते, ओनली आपकी एक नॉलेज बढ़ती है, मैं आपको नॉलेज देता हूँ कौन सा आइटम कितने रुपये का मिलता है मार्केट में, और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो उनका कॉन्टैक्ट करके बिजनेस भी कर सकते हैं मात्र 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके। तो यह सारी गाइस एक नॉलेजेबल वीडियो होती है,
और इनमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो गाइज बस एक सब्सक्राइब और लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देख लो, वो ही बहुत काफ़ी रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तो करते हैं वीडियो को एंड, बाय।